मुंबई एक ऐसी माया नगरी जिसमें हर कोई इंसान जाना चाहता है। इसी शहर में लोगों के सपने बसे हैं, यहीं से लोगों को आगे बढ़ने की सीढ़ी दिखाई देती है। लेकिन इस मुंबई शहर के भी अपने कुछ राज हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं होंगे। भले से ये शहर दूर से बिल्कुल रोशन, सुंदर और आकर्षित या कहे कि चमकता हुआ सा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ के लोग जीवन आखिर काट कैसे रहे हैं। चलिए जानते हैं देश की आर्थिक राजधानी मायावी नगरी मुंबई के बारे में। बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम एरिया इसी नगरी में है, जिसे हम धारावी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि अगर आप कम खर्चे में मुंबई जैसे शहर में रहना चाहते हैं तो आपके लिए धारावी सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ हजारों नहीं 10 लाख से भी अधिक दिहाड़ी मजदूर और छोटे कारोबारी रहते हैं। धारावी में बेशक आप कम खर्चे में रह सकते हैं, लेकिन इस जगह पर शिक्षा का स्तर और साफ सफाई की स्थिति बेहद ही खराब है। मुंबई का दिल कहे जाने वाले धारावी को अंग्रेजों के समय बसाया गया था। अब यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। धारावी में कितने लोग रहते हैं इसका सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस बस्ती में लगभग 6 से 10 लाख लोग रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती में 58,000 परिवार और करीब 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। 550 एकड़ में फैली धारावी में झुग्गी बस्तियों की संख्या इतनी है कि दूर से देखने पर जमीन नजर नहीं आती है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 लाख से अधिक लोग रहते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आबादी कितनी घनी होगी। इस बस्ती में 100 वर्ग फीट की झुग्गी में करीब 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। कुछ झुग्गियों में घर और कारखाने भी शामिल हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की तंग और गंदी गलियों में लोग रह रहे हैं। छोटी छोटी झुग्गियों और इनमें रहने वाले 7 से 8 लोग, एक छोटा सा कमरा जिसमें छोटी सी किचन और उसी से लगता छोटा सा बाथरूम, न जाने कैसे लोग यहाँ जी रहे हैं। साल 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म रिलीज हुई, जिसके बाद इस इलाके की लोकप्रियता बढ़ गई। बता दें, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। इसके बाद फिल्म गरीबोय में भी इस इलाके को दिखाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती को देखने के लिए कई टूरिस्ट यहां आते हैं। हालांकि धारावी के रीडेवलपमेंट का काम अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी आबादी के साथ कैसे यहां रीडेवलपमेंट का काम होता है।